Hey guys, welcome to my YouTube channel. So आज मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि आज बहुत time बाद मैं media से interact करने वाली हूँ और interact कर रही हूँ. अभी मैंने ABP News पे अपना interview देके आया आई और अब मैं जा रही हूँ Zee News पे. बचपन में हम लोग देखते थे Zee News. My father used to feed us paratha and anda and chai. और हम सब न्यूज़ देखते रहते थे और मैं बहुत बोर होती थी. पर कोई बात नहीं, आज तो देखो कितना एक्साइटेड हूँ. सो यस, बचपन की याद आ गई मुझे. तो फाइनली मैं जी मीडिया में पहुँच गई, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज़ नेटवर्क. लुक एट दैट. But I'm not a donkey. है वो बिंदास सैसी और क्लासी, कहते हैं उनको बिग बॉस की शहजादी. हाँ गाइस, आगे नहीं बोल रही क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि हमारे साथ आज है सबकी फेवरेट खानजादी. हाय खानजादी, व्हाट्स अप? हेलो, कॉल बोलिए, टेल मी व्हाट्स अप. ग्रेट. तो कैसी चल रही है लाइफ? मस्त चल रही है. सो सैंडविच भी खाया था थोड़ा बहुत, वो समुद्र ने खिलाया था.
और वो सैंडविच कड़वा था क्योंकि क्यूकम्बर है उसमें से वो कड़वापन निकला ही नहीं था, तो वो मैं नहीं खा पाई। बहुत ही बुरा सैंडविच था वो, बस फूड है नहीं कहना चाहिए। सो नाउ आई थिंक आई एम गोना हैव बिरयानी। आई जस्ट वांट टू डिग इन बिकॉज आई एम सो हंग्री। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर कि ये जो मेरा हेयर स्टाइल है ये बहुत फेमस हो गया है आई गेस। वैसे तो मुझे बहुत सारे एंजल्स हैं जो मुझे टैग करते रहते हैं ऐसे हेयर बना के, लेकिन मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया था। अब मुझे पता चला क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत अभी फेमस हो गया है। तो सब लोग मुझे पूछ रहे हैं इंटरव्यूज़ में कि खानजादी का हेयर स्टाइल क्यों चेंज नहीं होता है, कब से ऐसा है। सो हाँ, ये मेरी पहचान है। एंड ऑल्सो माई विंग आई लाइनर, क्योंकि मैं एक आज़ाद पंछी हूँ। सो यस। एंड ऑल्सो समुद्र, व्हाट यू वांट टू से? यू आर कमिंग बैक। कमिंग बैक, यस, दिस इज माई कम बैक। एंड आई होप अब आप लोग थोड़ा सा मुझे प्यार करोगे, क्योंकि आई नो बीच में मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया मीडिया को इग्नोर करके। पर ट्रस्ट मी, आई वॉज गोइंग थ्रू अ टफ फेज, बट राइट नाउ आई एम बैक। सो होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स मैनिफेस्ट ओनली पॉजिटिव थिंग्स। गुड थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग टू मी ऑलवेज, एंड आई एम अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। मोहित भाई कुछ शायरी बोलोगे न्यू आइकन पे? कुछ भी अब उठी जो एक नजर उस पर तो कत्लेआम कर दूंगा। अरे उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको बदनाम कर दूंगा। ओ दिख भी गया उसके रास्ते में तो सोच लेना, अब दिख भी गया उसके रास्ते में तो सोच लेना, तेरी गली में आके बवाल कर दूंगा। ओ माय ड्रॉप, माय ड्रॉप, माइक ड्रॉप। पता है क्या है माइक ड्रॉप? पता है क्या है, जैसे कि माइक है ना, कोई जैसे ऐसे बोल रहा है ना, तो मैं भी माइक लेके सुन रही हूँ, मैं कुछ बोलना चाहूंगी, फिर मेरे पास मतलब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। माइक ड्रॉप, नाइस। तोता बोलने लगा, इतने टाइम से चुपचाप बैठा हुआ है और मैं आज ही मिली हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस तो देखो बंदे का यार, मानना पड़ेगा। इनके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ। रोको मेरा जनाजा, मुझ में जान आ रही है। रोको मेरा जनाजा, मुझ में जान आ रही है। जरा आगे से लेफ्ट लेना, सिगरेट की दुकान आ रही है। ये क्या था, मतलब मेरे लिए क्यों ये? नहीं, दूसरा, ये दूसरा। इनके लिए ये याद वाला नहीं, ये इनके लिए इसलिए क्योंकि अभी तक मैम थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी, मैंने भी ये देखा है थोड़ी सी। अच्छा, भूख लग रही थी, भूख भूख। अब थोड़ा सा उन्हें चाहे कमबैक कह दो, कुछ भी कह दो, अब अच्छा लग रहा है मुझे मैम को भी देख के, तो इसलिए बोला कि आगे से लेफ्ट लेना, सिगरेट की दुकान आ रही है। तो मतलब इनका प्लेटफॉर्म वापस आ रहा है, कहने का मतलब मेरा ये है। पर मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी, लेकिन हाँ धुएं में सबको उड़ाऊंगी जला के। आई गेट या जला देंगे आग और उड़ा देंगे धुएं में सबको। कम बैक कब्जा ना पानी और अब I'm gonna have some water because खाना तो आया नहीं, पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। Hi guys, say hi to my vlog. Khanzadi is back to ruling the hearts. Yay! Yay. Cheers. दारू नहीं है, पानी है। पर वैसे ही सबको हम पिला देते हैं जाम अपने आंखों से। मेरे भी दिल से शायरी क्यों निकल रही है, जज्बातों से? अरे वाह, ये तो मैं फ्री स्टाइल कर रही हूँ, कैसे? अपने दिल और दिमाग
ऊपर आ गए पूरे पे बिरयानी से एक ब्रांड ऑफ you know the conversation and personality which is Khanzadi I think it's such a pleasure to have you here let me tell you put on girl crush ho aap mera kyunki jo log keh rahe hai ki yaar ye ladkiyan aisi nahi honi chahiye waisi nahi honi chahiye Khanzadi is the exact opposite of it so jo ladkiyan Khanzadi jaisi hai they're like yaar to kya we are not girl enough oh what you know it's like that I think so super hits 93.5 red fm par aapke saath main Delhi ki drama queen Swati here on social jab up and I have with me the lady who's creating waves you know and I think she's not finished yet I think tsunami lana hai inhe in not just her own life but I think others lives also as she walks past you know like watch this and you know kabza that's the right thing to say that's right word to say so first of all sabse pehle how's life post big boss I think sabse pehle ye janna chahte hain life is good life is great new things are happening and manifesting for great things definitely and I keep on affirming that good things keep on happening to me good things keep on happening to me good things keep on happening to me no matter what just karne do apne aap ko mat matlo for others so your visor if you look back your visor out after these two stints yes I am badi ho gayi nahi 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 मैं हमेशा वो छोटी 8 साल की बच्ची ही रहूंगी और हाँ वो टीनेजर 16 साल की स्वीट 16 वैसे ही रहूंगी जब मैं टीन हो जाऊंगी तभी भी मैं ऐसे ही रहूंगी मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस तो आया है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेक्ट बढ़ गई है खुद को लेके खुद के बारे में कभी इतना नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा स्टाइल करना पड़ेगा मुझे अपने अपने ऊपर और काम करना है मुझे है ना क्योंकि मैं बहुत अलग हूँ मतलब मैं बहुत अलग हूँ मैं I know I don't simple मतलब I'm sure like you know you like a lot of people know कि इसको follow करना है तो उसके जैसा कर दिया I'm sure like you are such a person I think that आपके लिए कोई book नहीं है जो पहले किसी को देखे यार I like this person मैं इसके जैसे कर लेती हूँ There's nobody like that I believe and मैं बहुत ही कम एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया में तो मेरे जितने भी एंजल्स हैं अभी फिलहाल कुछ दिनों से मतलब मुझसे खफा भी है कि कह रहे हैं कि अरे यार हम तो इतना कुछ कर रहे हैं मतलब वो लोग बहुत प्यारे प्यारे रील्स बनाते हैं कंटेंट बनाते हैं मतलब ट्रेंड कराते हैं और सब वो दिल से करते हैं यू नो मुझे मैं खुद शॉक हूँ कि ये सब कैसे हो रहा है नो नो इवन आई गेट शॉक लाइक देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग इट द पीपल हु एक्चुअली लव दे आर डेडिकेटेड टू द पीपल दैट दे सपोर्ट एंड फॉलो या सो यू नो आई एम ग्लैड आई एम सो हैप्पी सो वो लोग चाहते हैं कि अरे खानजादी कॉन्शियस बनो तुम यू नो तुम गाउन पहनो तुम ऐसे फोटोशूट करो तुम ये करो तुम वो करो और मैं हूँ कि भाई मुझे बस एक पेन पेपर दे दो मैं गाने लिखूंगी मैं रियाज करूंगी मैं ये करूंगी वो करूंगी तो कोई बात नहीं मैं अभी यूज टू हो रही हूँ और हो जाऊंगी है ना थोड़ा बहुत बदलाव तो लाना पड़ेगा लाना पड़ेगा यार इट्स अ शो बिजनेस यार इट्स नो बिजनेस लाइक द शो सेवन सिस्टर्स कमिंग टुगेदर यू नो and a place much less explored by the rest of the Indian people also tourism ab main hu na attention ki koi baat nahi hai pita famous ho gaya hai bahut sari cheeze famous hone wali hai I know kafi sari cheeze famous ho rahi hai so kahin na kahin do you think Khanzadi ki kahin na kahin big boss maybe just like other things but I'll speak about big boss but not just big boss in the mainstream media also regional representation abhi bhi challenging hai nahi milti hai हालांकि उठ रहा है बहुत रीजनल कंटेंट रीजनल म्यूजिक रीजनल म्यूजिशियंस आ रहे हैं बट यू थिंक रिप्रेजेंटेशन ऑन द बिगेस्ट स्क्रीन इज स्टिल मिसिंग पहले शायद था पर अब नहीं होगा क्योंकि अब खानजादा फेमस हो रही है आई लाइक दिस लड़की इज लाइक मैं आ गई हूं सारी कमी पूरी कर दूंगी इवन दिस जनरेशंस कॉलेज किड्स दे वर हियर टू स्ट्रगल फॉर इट दिस इज इट All right, Khanzadi in the house, guys, and this is it. This is the first ever unplugged version of whatever she decides to sing. Okay, this is what we're doing. My nails are long, so that's why I'm not able to play it properly. Hashtag girl math. Hashtag girl math, guys. I'm trying to real life. I have to be. I like it. I like it. We love you like this. For my angels. For my angels. We love you like this. Wanted to ask.
मतलब मुझे करना है आगे जाके भी. I want to learn direction. Oh, that's fantastic. You know, I think what was really amazing is you know, when we saw you on the TV for a lot of us, first time saw you there on Big Boss, and not just MTV Hustle. I think, you know, it's a huge change to see you like this, and it'll be so nice अगर हमको आपका ये side और देखने को मिले the real you. Both side. I'm a rainbow. लोग confused हो जाएंगे. लोग कभी मुझे पहचान ही नहीं पाते हैं. पता है मैं बहरूपिया हूँ. मैं hippie हूँ. I think that's what sums up in the best, and thank you so much. Interesting, right? It's very, very interesting. You cannot ignore her for a fact. I think that's done. We could not do that even when she was on the screens, and we'll not be able to ignore her now as her voice comes out stronger with each single that she comes out with. All the very best. Thank you so much for coming to the studios. Thank you so much. यार अब मैं तो north से हूँ ना इस वाली side से हूँ ना आप north east से हूँ ना तो फर्क होगा. Himachal also. तो I'm also from hills though, but straight from the pahar. Straight from the pahar, but then born and raised here in Delhi NCR. And then she. Also an army brat. So, how has your life been after Big Boss? After Big Boss, I've noticed so many changes. I've become more wiser. Also confident. What about the fan love that has come your way right after the show? Oh. Oh my God. Rolling. Bhari mehfil aur suhani shaam. She is a small town girl. Yehi kehna tera kaam. Tum haste ho ye keh ke jungle hai Assam. Is jungle ki sher ne khansadi mera naam. Thank you. एक लड़की जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने छोटे से शहर से भागती है और भागते भागते उसकी जर्नी पहुंचती है मुंबई. एक ऐसी आजाद ख्याल लड़की जो पहुंचती है एक म्यूजिक शो में जहां पे उसके रैप हंगामा करते हैं और उसके बाद ये जर्नी पहुंचती है बिग बॉस जहां सलमान खान खुद उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं खानजादी तुम्हारी आजादी और अब बस कर. वो खानजादी आज हमारे साथ हैं और खानजादी के जलवे बरकरार हैं. तो पहली बात तो खानजादी, आपके बिग बॉस के सफर के लिए माना कि बिग बॉस का वक्त हो चुका है, लेकिन वो सफर बहुत अच्छा था. आपने पूरा घर हिला के रखा. लोग कितना भी कहें कि जैसे होता है ना कि आपने ऐसा नहीं खेला वैसा नहीं खेला, हमें पता है बतौर ऑडियंस बिग बॉस का प्लॉट मतलब हंगामा होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, और आपने वो फुल मसाला दिया. लेकिन इसके बाद ये है कि सबसे पहला सवाल होगा बिग बॉस पे, मैं छोटा सा सवाल पूछूंगी आपसे. वो जर्नी आप अंदर गए हो आप, लेकिन उसमें बहुत डिस्टर्ब हो क्योंकि हमने आपको रोते भी देखा, रोता कोई शॉप में मसाला देने को नहीं है. वो जो पेन हुआ और वहाँ कोई अपना नहीं होता. कई बार होता है सवाल बाहर आके पूछा भी होगा लोगों ने कि क्या शो स्क्रिप्टेड था, क्या आप आगे बने. मैं तो चाहती हूँ कि तू बिग बॉस में जाए. मैंने कहा मम्मी हसन आ गई हो यार, कम से कम अप्रिशिएट तो करो. मम्मी कहती हाँ ठीक है लेकिन बिग बॉस. और नेक्स्ट ईयर देखो वो बिग बॉस चली गई. मैं बिग बॉस चली गई नेक्स्ट ईयर. एमडी में बिग बॉस वगैरह देखा है ना. तो वही ना, वो देखो उन्होंने मैनिफेस्ट किया था. हाँ तो 2022 में तो भी माँ के लिए क्या क्या करती है आप, माँ बोलती हैं उन्हें. तो आप क्या क्या कर रहे हैं, मतलब क्या सपने हैं? बहुत 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 सारे. दुनिया घुमानी है, दुनिया घुमानी है, दुनिया दिखानी है, और उनको बस मुझे खुश देखना है, आराम करते हुए देखना है. आपके सारे सपने पूरे हुए, मैं तो ये कहूँगी. और अब आपने बिग बॉस छेड़ा है और बिग बॉस आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, तो मुझे शो का बिग बॉस में एंडलेस बोलने की और एंडलेस उसकी आदत हो जाती है. इंटरव्यूज तो बहुत आसान लगते हैं. थोड़ा सा क्योंकि
और खुल के जीना है। अगर मैं आग में उंगली डालूंगी तो जलेगा, है ना? तो आप बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगी, अगर जलेगा तो ही मैं मानूंगी। मैं हमेशा से ऐसी हूँ बचपन से। Learn from your own experience. हाँ, तो I'm like that only. बचपन से ही। चलिए, great great. So tell us about your initial journey. बिल्कुल नहीं। और पार्टी में नहीं जाने की वजह क्या है? जरूरी थोड़ी ना है यार कि पार्टी में जाए। अभी लोग जो करेंगे, अगर मैं करूंगी तो लोगों में और मुझ में फर्क क्या रहेगा? इसलिए तो वन वर्सेस स्टैंडिंग था ना पहले भी। स्टैंडिंग होने के लिए आप नहीं गई पार्टी में। इट्स नॉट अबाउट स्टैंडिंग आउट, इट्स अबाउट कि मुझे नहीं करना है। जो मुझे नहीं करना है वो मुझे नहीं। यू नॉट अ पार्टी पर्सन। आई एम नॉट। पर हाँ, हाउस पार्टी, अगर वहाँ पे गिटार रहेगा, वहाँ पे और बहुत सारे लोग रहेंगे, गाना वाना गाएंगे, चिल करेंगे, तो वो एक अलग बात है। वो वहाँ पे मैं हमेशा रहूँगी, लेकिन ऐसे मैं टीचर टीचर डांस कर रही हूँ एकदम, पता है इसने ये किया वो क्या, नहीं मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर करना पड़े इन फ्यूचर तो मैं करूँगी। फिर बाद में मत बोलना कि मैंने ऐसे कहा था, क्योंकि आई गो विद द फ्लो। ग्रेट। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? व्हाट्स द करंट स्टेट ऑफ माइंड एंड करंट स्टेट ऑफ वर्क? गाना आ रहा है, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ अभी म्यूजिक प्रोडक्शन। मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ अपने गाने में खुद करूँ। लास्ट टाइम जो सबसे ही जो मेरा गाना मैंने रिलीज किया ऑर्गेनिकली, 1 मिलियन व्यू आया है उस पर। और ये होने के बावजूद, मतलब मेरा इंस्टा अकाउंट 3 बार हैक हुआ था, 3 बार, है ना? तो कुछ नहीं पता, बस वही ना कि क्या करे, खानजादी रहे ना रहे, चर्चा तो होना ही है। चर्चा तो होनी चाहिए। तो वन लाइनर है भाई, सुन लो, ये फ्यूचर का सबसे लेट वन लाइनर है। बंदा रहना रहे, चर्चा होनी चाहिए। खानजादी, एज वी आर वेरी क्लोज टू इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में मुझको बहुत बहुत अच्छी लगी पर्सनली, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू अ लॉट और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं आपने पर्सनली, बहुत रिस्क लिया है, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। कितना इम्पोर्टेंट है ये महिलाओं के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है ये बीइंग अ वुमन, अपने दिल की आवाज़ सुनना, स्टैंड आउट होना, यू नो, नॉट टू ओनली रेज योर वॉइस बट टू बिलीव इन योर। मतलब देखो, वुमेन को जस्ट बिकॉज कि ये स्ट्रेंथ दिया गया है कि वो जो पेन है झेल सकते, इट डजंट मीन कि तुम झेलो। है तुम्हारे अंदर वो पावर, पर नॉट नेसेसरी कि तुम आवाज़ को दबाओ, क्योंकि आवाज़ दिया गया है बोलने के लिए, है ना? शांत मत रहो, जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे अपना जुबान खोलो और फिर बस तराजू में सबको तोलो। क्या बात है, हर बात पे चौंका दो, पूरी दुनिया घुमा दो, मुझे क्या तोलेगा, मैं खुद ही तराजू, सब है आजू बाजू, इन आंखों में जादू, एक नजर मिलाओ, सब कुछ कर लूं काबू। क्या बात है, कमाल कमाल कमाल। काबू कीजिए दुनिया, काबू कीजिए, कब्जा कब्जा कीजिए और बहुत बहुत सक्सेसफुल बनिए खानजादी, जो सपने हैं आपके वो पूरे हों, आजाद पंछी की तरह उड़िए। और we really wish you all the success. Thank you so much. For future projects. Wonderful talking. आपका नाम है? मैं इसको जो है फिरोजा तो ये है, फिरोजा आपका फिरोजा खान इज योर ओरिजिनल नेम, पूरी लीजिएगा प्लीज, है ना? मैंने खास इस इंटरव्यू के लिए नए शूज पहने आज। अरे चमक रहे हैं, शूज पे फोकस कर रहे हैं। नहीं नहीं, चमक रहे हैं आपके शूज तो। जिंदगी मोड़ रही है, मुझे
बच्चे उस उड़ान को छूते हुए एक दिन जरूर नजर आएंगे जो जीवन में आप सही में चाहती हैं। इसी के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे और बहुत सारे इंटरव्यूज़ के साथ मिलेंगे जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है और हमारे साथ ऐसे स्टार्स बीच में आते हैं जो हमें मोटिवेट भी करते हैं कि हमें भी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार। गाया खुद है ना, गाना लिखेंगे, साथ गाना किया घर के अंदर भी थी, दोस्ती घर के बाहर भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि अच्छे वक्त पे कौन होता है साथ में वो मैटर नहीं करता, लेकिन बुरे वक्त पे कौन रहता है वो मैटर करता है। तो मेरे बुरे वक्त पे घर के अंदर भी और घर के बाहर भी अनुराग हमेशा रहा है और इसलिए मुझे किसी की सुननी नहीं है, है ना। मैं जानती हूँ वो अच्छा है, बुरा नहीं है और वो मेरे लिए था मिलते हैं और मैं भी उसके लिए। और बाकी उसका जो पर्सनल किसी के साथ क्या चल रहा है आई डोंट नो, मतलब नो कमेंट्स, क्योंकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ बात नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखना है। तो हम लोग बिग बॉस बार बार करते हैं और घर जाने की बात करते हैं कि वो एक घर है। आम इंसान भी जो एक कॉमन मैन होते हैं ना कि आप लोगों को बाहर से देख के सोचते हैं यार मैं भी कभी बिग बॉस जाऊँ, तो कुछ रास्ते बताएंगे अपने फैंस को कि कैसे पहुंचा जा सके। अरे पहले तो बचपन में मैं और मेरी सिस्टर कजिन्स हम सब बिग बॉस खेलते थे घर पे, आई स्वेयर हम लोग खेलते थे बिग बॉस। और जैसे मैं हसल पे गई थी ना तो मम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं बिग बॉस जाऊँ और नेक्स्ट ईयर मैं देखो मैं बिग बॉस में आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन फिरोजा आप अपनी तरफ से जीवन में क्या करना चाहती थी, मतलब क्या आपने स्टार्टिंग से ये सोचा था कि हजारों लाखों व्यूवर्स के सामने कैमरे पे बैठकर आप जो है एक इंटरव्यू दे रहे होंगे और जगह जगह प्लेटफॉर्म्स पे बता रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे चीजें? शायद मैंने सोचा था कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने इतना भी नहीं सोचा था, मतलब मैं कभी फेम या फिर आई डोंट नो मैंने कभी सोचा शुरुआत से कैमरे से प्यार नहीं, आईने से प्यार था मुझे कैमरे से ज़्यादा, अभी भी होता है मुझे बचपन से ही था और इसीलिए मुझे घर पे बहुत सुनाया जाता था और बहुत सारी चीज़ें होती थी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आई डोंट नो मैं अपने आप को बस आईने में देखती रहती थी और मैं खुद से बातें करती रहती थी, तो मुझे आईने से प्यार है, मतलब आईने से इसलिए प्यार है क्योंकि आईने में कौन है, मेरा रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली मैंने मुझे अपने आप से प्यार है। अपनी शायरी में एक बात भी लिखी थी मैंने ऐसी ही कि अगर आपने धरती पे कोई खूबसूरत तस्वीर देखी है तो आईने में खड़ा वो शख्स खुद को देखे, तो उससे कोई खूबसूरत तस्वीर हो नहीं सकती। और अगर आप लाइफ में स्टार्टिंग से ही घुमा दो मुझे क्या तोलेगा, मैं खुद ही तराजू सब है आजू बाजू, इन आंखों में जादू एक नजर मिलाओ सब कुछ कर लूं काबू। क्या बात, अमेजिंग लाइन्स हैं। जितनी गहराई से और जितनी खूबसूरती से आपने इस लाइन को लिखा है, अगर किसी को सही मतलब इसका समझा तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर अच्छा हाँ तो क्या मोहित ने क्या कहा अभी, ये भैया को अभी हो रही है खांसी तो मोहित ने क्या कहा? मैंने बोला कि काली मिर्ची चबा दो या फिर मतलब ब्लैक पेपर चबा दो, नहीं तो फिर अदरक और हनी ऐसा कुछ काढ़ा जैसा बना के पी लो। लेकिन मोहित ने कुछ कहा है, क्या कहा मोहित? भैया ने कहा है कि कोल्ड ड्रिंक से मेरा गला खराब हुआ है। हाँ। तो मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक से हुआ है, दो पैक लगा लो वो सही हो जाएगा। और भैया ने कहा है कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो ये कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ में नहीं आया कि शुद्ध शाकाहारी मतलब पैक भी नहीं लगाते, वाह मतलब आप मानते हो आप बहुत धार्मिक हो, है ना? हाँ जी। चार लाइन क्या? हाँ बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए खाना पीना सब बेकार है। अच्छा हाँ, मैं भगवान का भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उसी से मेरी सारी दवाइयाँ हो जाती हैं। अच्छा। जब भी ध्यान करता हूँ, मैंने कोविड को भी भगवान के भजन से मात दिया है। ओ वाह वाह वाह, मेरे को कोविड हो चुका था। हाँ। लेकिन मैं भजन में बैठने के बाद में मैंने कोविड को भी मात दिया है। मेरे गुरु महाराज मेरे साथ रहते थे। हाँ। जब भी ध्यान में मिलते थे तो उनके मतलब जो है कि तब से या जैसे भी है उनकी शक्ति से मैंने कोविड को भी मात दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मेरे को मालूम है मांस और दारू का सेवन जीवन में व्यर्थ है। बहुत बहुत सही बात कही है आपने। और हम से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और बस यही ऐसे लोगों को देख के इंस्पायर होना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी ये सब फॉलो करते हैं, मानते हैं
और हमें भी मानना चाहिए। और अभी मोहित ने क्या कहा, अभी दो लाइन मेरे लिए नहीं, चार लाइन बोल रहा। अच्छा चार लाइन, अच्छा ओके। दारू का मतलब एक ही होता है, दामिस दरिद्रगी और रूमिस आत्मा। अच्छा, जो अपने आत्मा तक को गंदा कर दे, अच्छा उसको बोलते हैं दारू। इसीलिए हम दारू से बहुत दूर रहते हैं। सही बात, नेचुरल चीजें खानी पीनी चाहिए जो स्ट्रेट फ्रॉम मदर नेचर हो, जिसको प्रोसेस नहीं किया हो, है ना, बिल्कुल रॉ, बिल्कुल नेचुरल हो। ठीक है, अभी मोहित ने कुछ कहा था, बोलो चार लाइन। बेचारे को हम तब से बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलो चार लाइन। कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है, हाँ। अब तो जंग पक्की है, हाँ। कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है, अब तो जंग पक्की है, हाँ। और धरती पर नजर गड़ाने से क्या होगा, खान जाती की उड़ान तो आसमान तक जाने की है। ब्रावो, माइक ड्रॉप, दो बार मैंने माइक ड्रॉप कर दिया, पहली बार एक वहां पे और अभी। क्या बात है मोहित, छुपे रुस्तम निकले तो। केवल भगवान की बात करने से, हाँ। अभी मेरे को एक 10-5 मिनट से खांसी दोबारा नहीं आया। अब सोचो कि अगर, हाँ। मैं ध्यान में बैठ गया, हाँ। तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अरे वाह, द पावर ऑफ मेडिटेशन, यू नो, द पावर ऑफ मेडिटेशन, द पावर ऑफ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। नाइस, तो इसी बात पे अब मैं मेरे हेडफोन्स ऑन करना चाहती हूँ और मैं गाना सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो म्यूजिक है, आई रिस्पेक्ट, आई वर्शिप, आई लव, एंड आई कैन कम्युनिकेट विद गॉड। मैं गॉड से बात कर सकती हूँ थ्रू म्यूजिक, सो इसलिए मैं म्यूजिक सुनना चाहती हूँ। एंड यस, स्टे ट्यून, बाय बाय।